बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरे का बेतिया पुलिस अधीक्षक ने किया उद्घाटन। मीना बाजार में जल्द ही खुलेगा ओपी थाना। आपको बता दें कि नगर के बीचों बीच स्थित प्रसिद्ध मीना बाजार में व्यवसायी संघ के द्वारा 52 सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं, जिसका उद्घाटन बेतिया पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि व्यवसायिक संघ के द्वारा बहुत ही प्रशंसनीय कदम उठाया गया है। बाजार में 52 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिससे कि किसी भी तरह के अपराध की घटनाओं पर काबू पाया जा सकेगा। जिसके साथ ही बेतिया पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि जल्द ही मीना बाजार में एक ओपी थाना भी बनाया जाएगा, जिससे कि समय रहते किसी भी अपराधी को धर दबोचा जा सके। व्यवसायिक संघ के द्वारा मीना बाजार में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया। आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें व्यवसायिक संघ के द्वारा मीना बाजार कैमरा लगवाया गया है, सीसीटीवी कैमरा। एक्चुअली सुरक्षा के लिहाज से यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, और ये व्यवसायी संघ का जो प्रयास है वो काफ़ी काबिल तारीफ है। और इससे हम पुलिस डिपार्टमेंट को स्पेशली जो क्रिमिनल्स एक्टिविटी होते हैं या जो अराजक तत्व हैं उन पर नियंत्रण करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और व्यवसायिक संघ के द्वारा यह भी बताया गया कि अभी जितने कैमरे लगाए गए उसके बाद भी फ्यूचर में इसका एक्सपेंशन किया जाएगा, अन्य क्षेत्रों में भी कैमरा लगाया जाएगा। तो निश्चय ही ये सारी चीज़ें जो है जो पब्लिक पुलिस जो मित्रता होती है उसके प्रयास से काफ़ी बेहतरीन चीज़ है, और क्राइम कंट्रोल करने में, क्राइम प्रिवेंट करने में कारगर हो जाए। सर, मीना बाजार के अंदर एक थाना ओपी खुलने जाएगा, उसका एक प्रस्ताव गया हुआ है और वहाँ पे विचार हेडक्वार्टर में विचार चल रहा है। तो आने वाले समय में हो सकता है मीना बाजार में छोटी मोटी चोरियाँ होती थी, उसके लेकर मनीष जी, रिंकू जी, मतलब टोटल छोटा रामना के सभी दुकानदार लोग का प्रयास हुआ आगे कैमरा लगाया जाए। वह सीसीटीवी हम लोग कैमरा लगाने के बाद हुआ कि मुख्य अतिथि के रूप में एसपी साहब को बुलाया जाए। हम लोग एसपी साहब के पास गए तो हम लोग को सुझाव दिए कि कैमरा आप लोग लगा दिए हैं, लेकिन कैमरा का संचालन मेरे सिपाही द्वारा कराया जाएगा और इसको पुलिस लाइन में जो पूरे बेतिया से जोड़ा गया उसको जोड़ा जाएगा। हम लोग को भी बहुत इससे फायदा हुआ कि दो ठो कम से कम हमारे छोटा रामना में 24 घंटा पुलिस रहेगी, और यह आगे भी और 100 कैमरा लगाना है उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम रिंकी गुप्ता हुआ और भाजपा के पूर्व युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हुए, नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन, और अभी वर्तमान में व्यवसायी संघ के अध्यक्ष हैं।